इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भैया विनोद जी जो कि गौना से हैं, आप आए और आकर के अपना आलेख यहाँ पर प्रस्तुत करें। विनोद जी गौना, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्नातक परिषद अधिवेशन सपर्यायाम मंचम अलंकुर्वताम श्रीमत् गुरुचरणानाम अग्निबन्मयोः सप्रणतिः समर्पयामि। समागत विदुषः अनुजान अग्रजान च यथा योग्यम अभिवादये। यद्यपि समयः स्वल्पः एव अस्ति, अतः यः सारः अत्र गृहीतः तस्मिन्नेव तमेव उपलक्ष्यकृत्य किञ्चित् वदामि। अष्टप्राभृतानुगुणं सम्यक्त्वस्य विवेचनम् इति मम विषयः अस्ति। तत्र षड्विन्दवः स्वीकृताः सन्ति। प्रस्तावना, आरहद्दर्शने दर्शनशब्दस्य प्रयोगः, आरहद्दर्शने सम्यक्त्वस्य निरूपणम्, अष्टप्राभृते सम्यक्त्वस्वरूपम्, अष्टप्राभृते सम्यक्त्वस्य वैशिष्ट्यम्, अन्ते च उपसंगारः एवं षड्बिन्दवः अत्र मया स्वीकृताः सन्ति। तत्र प्रस्तावनं त्यक्त्वा दर्शनशब्दस्य प्रयोगः आहृद्दर्शने कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तः इत्येव प्रतिपादयामि। यथा भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, दर्शनशब्दस्य निष्पत्तिः दृश्धातोः ल्युट् प्रत्यये पश्यति दृश्यते, अनेन दृष्टिमात्रं वा दर्शनं, अथवा राजवार्तिकानुसारेण पश्यति वा येन तद्दर्शनं इति। व्युत्पत्तौ न तावत् द्वैविध्यं दृश्यते, परन्तु दर्शनपदस्य प्रयोगः कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तः इति चेत्, निरुक्तार्थः तु केवलं पदार्थप्रतीतिरेव दर्शनस्य अर्थः भवति। यथा जं जाणै तं दाणं, जं पृच्छै तं च दंशनं भणियम्। षड्दर्शन समुच्चये दर्शनं शासनं सामान्यावबोधलक्षणम् इति कृत्वा सामान्यावबोधे दर्शनशब्दस्य प्रयोगः कृतः। उपयोगो लक्षणम् इत्यपि एतदस्यैव विस्तारः। पुनः बोधप्रावृते दावद्दर्शनस्य अयमर्थः, दंशेयि मूखमग्गं सम्मत्तसंयमं सुधम्मं च निगन्थनाणमयं जनमग्गे दंशनं भणियम्। एवं मोक्षमार्गं यद्दर्शयति तद्दर्शनं इति एतस्य सारमस्ति। पुनः दर्शन प्राभृते जिनलिङ्गार्थेऽपि दर्शनशब्दस्य ग्रहणम् अस्ति। प्रवचनसारस्य तात्पर्यवृत्तिटीकादिष्वपि दर्शनस्य अर्थः सम्यक् दर्शनमिति गृहीतम्। पुनः आरहद्दर्शने सम्यक्त्वस्य निरूपणं किमस्ति इत्यत्र रत्नकण्डकश्रावकाचार्ये यद् लक्षणमुक्तं, प्रायः ते अन्येषां शास्त्राणाम् अत्र समन्वयः अस्ति। पुनः चत्वारः अनुयोगाः सन्ति। चतुर्भिः अनुयोगैः दर्शनस्य यत् स्वरूपः प्रतिपाद्यते तदत्र अहं प्रतिपादितवान्, कृपया लेखे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः अष्टप्राभृते सम्यक्त्वस्वरूपं किम् अस्ति इति प्रतिपादयामि। श्रीमत् कुन्दकुन्ददेवेन अष्टप्राभृतेषु प्रामुख्येन दर्शनप्राभृते सम्यक्त्वस्य महत्त्वं नैरूप्यत। क्वचित् सूत्रप्राभृते, चारित्रप्राभृते, बोधप्राभृते चापि सम्यक्त्वस्य स्वरूपं माहात्म्यं च विद्यते। यथा दर्शन प्राभृतस्य चतुर्दशगाथायाम् उच्यते, दुविहंपि गन्थचायं तीसु विजोयेषु संयमोठादि नाणम्मि करण शुद्धे उभसणे दंशनं होयि। नाम परिग्रहद्वयादि यः विरक्तः अभवत् त्रिष्वपि योगेषु यः संयमस्तिष्ठति, ज्ञानेन्द्रियचः शुचिं स्थापयति, स्थितो भूत्वा च यः आहारं गृह्णाति तस्य एव सम्यक्त्वं भवति। पुनः दर्शन छद्दब्बाणमपयत्था एवं कृत्वापि सम्यक्त्वस्य महत्त्वं नैरूप्यत्। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं जिणवरैः पण्डत्तम् एवं कृत्वा व्यवहार सम्यक् दर्शनं पुनः निश्चय सम्यक् दर्शनं इति भेदद्वयं तत्र अवदत्। पुनः दर्शन प्राभृतस्य एव द्वाविंशगाथायां सम्यक्त्वं निरूपयन् कुन्दकुन्दाचार्यैः निरूप्यते, जं सक्कैतं कीरं कीरै इत्यादिषु गाथासु। सूत्र प्राभृतस्य पञ्चमगाथायामपि उच्यते, सुत्तत्थं जिणवणीयं जीवा जीवादि बहुविह मत्थं हेया हेयञ्चतः जो जाने सोहु सद्दिट्ठि। एवं शीलप्राभृतेऽपि अर्हन्ते सुहवत्ति सम्मत्तम्, अर्थात् जिनपे शुभभक्तिरेव सम्यक्त्वं भवति। प्रतिपादिते लक्षणे जिने सम्यक् प्रतीतेः भावोऽपि सम्यक्त्वमुच्यते।
पुनः अष्ट प्रावृते सम्यक्तस्य किं वैशिष्ट्यम् अस्ति इत्येव एतस्य सारः अष्ट प्रावृतेषु सम्यक्त संदर्भे विशिष्टानि तथ्यानि समाविष्टानि वर्तन्ते तेषु कतिचित् तथ्यानि एकैकशः विचार्यन्ते प्रथमं तावत् दर्शन पदस्य कमर्थं गृह्णीयात् इत्यस्मिन् सन्दर्भे उच्यते यथा महाराजैः अपि तस्मिन् दिने उक्तमस्ति परन्तु अहम् इत्र प्रतिपादयामि दंशन मूलो धम्मो इति द्वितीय गाथायां संस्कृत टीकाकारः श्रीमत् श्रुतसागरः दंशन पदस्य अर्थं सम्यक् दर्शनं करोति तद्यथा दर्शनं सम्यक्त्वं मूलम् अधिष्ठानम् इति संस्कृत टीकायां प्राप्यते इति कृत्वा सम्यक् दर्शनं इत्यर्थं निश्चिनोति परन्तु अष्टप्रावृत्तस्य प्राकृत टीकाकारः श्रीमत् प्रणम्य सागर मुनिः दंशन पदस्य जनरूपम् इत्यर्थं कृते यथा दंशनं नाम जनरूपम् इति कृत्वा सन्दर्भेस्मिन् विचारं स्थापयन्ति आबहो कालात् विद्वद्वि दंशन पदस्य एकान्तेन सम्यक् दर्शनम् इत्यर्थः निश्चीयते परं न तद्युक्तं यतः अग्रिम गाथासु दंशनहीणो नबन्दिब्बु इत्यादिषु प्रसङ्गेषु काश्चित् भविष्यति एवं किञ्च दंशनम् इति पदस्य केवलं जनरूपार्थः स्वीक्रियते चेदपि अविरसम्यक् दृष्टिनां का कथा पुनः अन्यत्रापि दंशनभट्टा चरितभट्टा इत्यादिषु अपि यदि चर्या इत्येव अर्थः स्वीक्रियते दंशनपदस्य सम्यक्त्वम् इत्यर्थः न स्वीक्रियते चेत् अत्र दंशनपदस्य कः अर्थः स्वीक्रियात् पुनः दंशनपदस्य केवलं जिनलिङ्ग अर्थः स्वीक्रियते चेत् अत्र त्रयोविंशतिगाथायां दंशनाणचरित्ते तपविणे णिच्चकालसुपसत्था इत्यादिषु यदुक्तं तत्र दंशनपदस्य केवलं जिनलिङ्गरूपार्थः स्वीक्रियते चेत् हानिः वर्तते अहं मन्ये तत्र दंशनशब्दस्य दर्शनप्रावृते यद् दंशनशब्दः उक्तः तस्य द्वौ अर्थौ भवेत् तावत् एकं दंशनपदि इति पदस्य एकस्यैव अर्थग्रहणे समस्या बाहुल्यं प्रतीयते इत्यस्मात् मया चिन्त्यते दंशन इति पदस्य द्वावप्यर्थौ ग्राह्यौ तदपि अन्तरङ्गसम्यक् दर्शनरूपः बाह्यश्च निर्ग्रन्थ यथा जातरूपः यतः अतः दंशनपदस्य एकः अर्थः बाह्येन तु निर्ग्रन्थ यथा जातरूपः किञ्च अन्तरङ्गसम्यक् दर्शनरूपः यः अर्थः सः अर्थः अन्तरङ्गरूपेण नाम एवं द्वौ अर्थौ अत्र ग्राह्यौ एवं तत्रापि अन्योपि विषयः मया अत्र सङ्ग्रहीतः वर्तते परन्तु समयः अत्यल्पः अस्ति आचार्यविद्यासागरमहाराजाने अपि अत्र जिनशासनस्य त्रयः लङ्गाः स्वीकृतः तत्र तेषां पद्यानुवादोऽपि अत्र मया विहितः अस्ति पुनः सम्यक् दर्शनात् पतितस्य दंशनभट्टा दंशनभट्टस्य नत्य निर्माणं सिद्ध्यन्ति चरियभट्टा दंशनभट्टा न सिद्ध्यन्ति इत्यत्र चरियभट्टा इत्यस्य अर्थः तत्र नन्दिनीटीकायां चरित्रभ्रष्टा इति प्रदत्तः परन्तु यदि पश्यामश्चेत् तत्रापि चरित्रभ्रष्टा इत्यनेन अर्थेन अपि काचित् हानिः अपि नास्ति यतः दंशनेन यः रहितः अस्ति सः मोक्षं प्राप्तुं नार्हति पुनः चरित्रभ्रष्टः यः अस्ति सः तु कालं सम्प्राप्य पुनरपि चारित्रं गृहीत्वा स्वकीयम् उद्धारं कर्तुम् अर्हति अतः उपसंहारं प्रतिपादयामि दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानम् उपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते मोक्षमार्गस्य प्रकरणे सम्यक् दर्शनं कर्णधारत्वेन स्मृतं किञ्च ज्ञानचारित्रात् सम्यक्त्वं श्रेष्ठं मतं यतः द्वयोः परिपूर्तिः अनेनैव सम्भवति अष्टप्रभ्रातानुगुणं सम्यक्त्वस्य विवेचनम् इत्याख्ये प्रस्तुतेऽस्मिन् शोधालेखे पञ्चविन्दवः अग्राह्यन्त जिनागमस्य मूलमुच्यते सम्यक् दर्शनं दर्शनपरिप्रेक्ष्ये दर्शनमिति पदम् अधिकृत्य बहुधा विचारितं दर्शनप्रभ्रते प्रयुक्तं दंशनपदम् अन्तः सम्यक्त्वं बाह्यञ्च जिनलिङ्गार्थं विनक्ति सम्यक् दर्शनस्य लक्षणमपि बहुधा विचारितं प्रयुक्तलक्षणं जिनमतानुगुणं जिनलिङ्गपरम्पराम् आश्रित्य वर्णितं वर्तते यतः दंशनहीणो न बन्दिब्बु इत्यादिषु गाथासु प्राप्यते जिनलिङ्गपरम्पराम् आश्रित्य सम्यक् दर्शनस्य इदं लक्षणं तत्र कृतं वर्तते एवमहं मन्ये इत्युक्त्वा लेखविस्तरात् भयात् विरमामि ओम् बहुशः धन्यवादः विनोदवर्यः यदि स्नातकानां कापि जिज्ञासा वर्तते चेत् शीघ्रातिशीघ्रं पृच्छतु यदि कापि जिज्ञासा स्नातकानाम् अस्तु एक माइक वहां पे भेज दो माइक भैया चलो ऐसे माइक की व्यवस्था वहां हो जाए नमोस्तु वंते मम एकः प्रश्नः अस्ति अष्टपाहुड मध्ये कुत्र सम्यक् दर्शनस्य अर्थः जिनलिङ्गरूपेण आगतः
पुनः दर्शन शब्दस्य अर्थः कुत्र जिन लिंग रूपेण आगतः पुनः कुत्र सम्यक दर्शन रूपेण आगतः अस्य भेदः कथं भवेत् इति मम जिज्ञासा। पूर्वं तावत् अष्ट पावड इति वदतु नो चेत् अष्ट प्राभृत इति वदतु। अतः तत्र शंका जायते। अतः अष्ट पावड इति प्राकृते पुनः अष्ट प्राभृत इति संस्कृते। तत् दंसन मूलो धम्मो इति उक्तं खलु। तत्र एव जिनलिंगार्थः गृह्यते। अन्यत्रापि जिनलिंगस्य वर्णनमस्ति। परन्तु सम्यक्त्वं यदि त्यजामः चेत् त्रयोविंशति गाथायाम् अन्यत्रापि दंसन पदस्य सम्यक्त्वार्थः गृहीतः। अतः सम्यक्त्वं इत्यपि अर्थः भवेत्। किञ्च दंसन मूलो धम्मो इत्यादिषु गाथासु जिनलिंग रूपार्थः अत्र स्वीक्रियते। एवम् अत्र मम मतम् अस्ति। अस्तु, बहुत सुंदर। और अब आज के अंतिम आलेख के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में लगातार अनवरत रूप से कई वर्षों से धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं एवं श्रवण संस्कृति संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे हम सभी के प्रिय वैभव जी महत्रियाएं और आगर के केवल 5 मिनट में अपने आलेख को यहाँ पे प्रस्तुत करें। वैभव जी बोलो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री की छवि, जिनागम के कवि, जिनागम के शेर बन जो करते हैं धर्म की पैरवी, ऐसे निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महामुनि राज की। समय की कमी है, लेख बहुत बड़ा है। दंसन भट्टा भट्टा गाथा का अर्थ और वर्तमान उसकी प्रासंगिकता, यह मेरा विषय है। संसारी जीव संसार अवस्था में अनादिकाल से चल रही इस यात्रा में नित्य निगोद रूप से सभी जीवों का होता है। फिर क्रमशः पंच स्थावर से गुजरता हुआ यह जीव दुर्लभ मणि के समान विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय आदि जीवों की पर्याय के दुखों को भोगता हुआ दुर्लभतर मणि पर्याय की भांति पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है। और अपना कल्याण चाहने वाला कोई संसारी प्राणी गुरु के पास जाकर जब उसका मार्ग पूछता है तो गुरु महाराज जिज्ञासा समाधान के माध्यम से या कक्षाओं के माध्यम से हमको जो मोक्ष मार्ग बताते हैं वह निश्चय और व्यवहार से होता हुआ आगे बढ़ता है और जो है सम्यक दर्शन स्वरूप। मैं दंसन भट्टा भट्टा गाथा की तरफ आप सभी को ले जाना चाहता हूं कि इस गाथा की मतलब खोज की तरफ हम जब सम्यक दर्शन का विषय आता है तो सम्यक दर्शन की महिमा बताते बताते एक विषय रत्नकरंडक श्रावकाचार में आता है कि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर अवस्थित है किंतु मोही मुनि मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। अथवा मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है और इसी बात का आनंद बहुत सारे एकांतवादियों को आता है। और इसकी व्याख्या में वो जब कहते हैं कि दंसन भट्टा भट्टा गाथा और फिर संसार समुद्र से पार होने के लिए सम्यक दर्शन की महिमा दंसन पाहुड़ में जब खोजी जाती है तो वहां पर दर्शन की महिमा आती है। और उसमें यह जो गाथा आती है दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथ निवानम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसन भट्टान सिद्धंति। इसका जब गाथा अर्थ देखते हैं तो लिखते हैं सम्यक दर्शन में भ्रष्ट प्राणी भ्रष्ट कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट प्राणी को निर्वाण नहीं होता है और चारित्र से भ्रष्ट प्राणी तो सिद्ध हो जाते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं पर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट प्राणी सिद्ध नहीं हो सकते हैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो बहुत आनंद आ जाता है कि देखो चारित्र से भ्रष्ट भी सिद्ध हो सकता है लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट जो है वो भ्रष्ट है। और ऐसे में मुनि महाराज पर भी आरोपण करने से हम खुद को रोकते नहीं है। अब जब इसका विशेष अर्थ देखेंगे तो जो मनुष्य सम्यक दर्शन से पतित हो जाते हैं वही यथार्थ में पतित कहलाते हैं। सम्यक दर्शन से पतित मनुष्य को समस्त कर्मों का क्षय हो जाना जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन से पतित मनुष्य नरकादि गतियों में दीर्घ काल तक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण करता है।
इसके विपरीत जो चारित्र से भ्रष्ट है अर्थात श्रावक और मुनिपद के योग्य ब्रह्मचार्य तथा चरित्र से भ्रष्ट है वे अनुकूल सामग्री को पाकर थोड़ी समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तो आनंद आ जाता है कि चारित्र से भ्रष्ट थोड़ी ही समय में मोक्ष को प्राप्त कर ले रहे हैं। और सम्यक दर्शन से पतित मनुष्य भव्यसेन आदि मुनियों अथवा वशिष्ठ आदि ऋषियों के समान मोक्ष प्राप्त नहीं करते किंतु संसार सामग में निमग्न रहते हैं। तो अब ये अर्थ यदि पढ़ेंगे तो जो एकांत पक्ष वाले हैं वो चारित्र की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर जो शिथिलाचारी वो यही उदाहरण देंगे कि देखो गाथा में लिखा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखो कितने ही लोग इसका विवेचन करते ये अर्थ लगाते हैं कि चारित्र से भ्रष्ट मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं परंतु सम्यक दर्शन से भ्रष्ट मनुष्य सिद्ध नहीं होते। आपको बता दूं दर्शन शब्द समग्रता का द्वेतक है और समग्रता का द्वेतक होने के कारण दर्शन शब्द दो अर्थ में है, सम्यक दर्शन भी और मुनि मुद्रा भी। तो इसका यह फलितार्थ निकालकर विवेचन जब करते तो मोक्ष के लिए चारित्र आवश्यक नहीं है, सम्यक दर्शन ही आवश्यक है। और इसके विवेचन के अनुरूप मोक्ष मार्ग में सम्यक चारित्र को कोई गौण जो कर देते हैं सो उनका यह विवेचन आगम सम्मत नहीं है। इस गाथा में तो आचार्य कुंद महाराज ने यही भाव प्रकट किया है कि जो श्रावक या मुनि अपने चारित्र से भ्रष्ट होते समय सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया। देखना पंक्ति, जो श्रावक या मुनि अपने चारित्र से भ्रष्ट होते समय सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हुआ अर्थात अपनी श्रद्धा भी छोड़ चुका है वह निर्वाण से बहुत दूर हो गया है। मतलब सप्तम गुण स्थान से यदि कोई मुनि महाराज षष्टम गुण स्थान में वे आ गए तो इसके अपेक्षा से वो चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं, अभी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। तो वो जो है अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण काल तक संसार में भटक सकता है परंतु जो मात्र चारित्र से भ्रष्ट हुआ समीचीन श्रद्धा को सुरक्षित रखते हुए शीघ्र ही अनुकूल सामग्री पाकर विशुद्ध चारित्र को धारण करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों में से किसी एक को भी हम गौण नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों की ही जो है अनिवार्य आवश्यक है। तो अभी लेख में आप पढ़ लीजिएगा, जो साधु दंशन भट्टा जिन रूप की प्रमुखता वाले दर्शन से भ्रष्ट है भ्रष्ट विनष्ट है क्योंकि अनेक योनियों से भरे हुए चतुर गति में उनका परिभ्रमण होता रहता है। दंशन भट्टस्य अर्थात जिन लिंगु को छोड़कर अन्य भेष को धारण करने वालों का निवानम नत्थी निर्वाण नहीं है अर्थात आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं है। जो कोई 28 मुलगुन के पालन रूप चारित्र से कदाचित कुछ काल तक गिर जाते हैं वे चरिय भट्टा भी सिद्धंती वे चारित्र भ्रष्ट भी सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि प्रायश्चित आदि तप के विधान से वे पुनः छेदोप स्थापना चारित्र के बल से स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। यहाँ चर्या शब्द शयन आसन गमन आगमन आदि क्रिया के विषय में जानना चाहिए, इसलिए चर्या से भ्रष्ट इस पद के द्वारा क्रियाओं में प्रमाद का भ्रष्ट ग्रहण करना। प्रवचन सार के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वहां दर्शन शब्द और चर्या शब्द कितने बड़े अर्थ में उन्होंने ग्रहण किया है यह देखना है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दंशन भट्टान सिद्धंती और ये जो बात है इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है और समाज में ये समझाना है क्योंकि इसी गाथा को लेकर अष्टानिक आदि पर्व में जाकर कुछ एकांतवादी लोगों को अपना कर लेते हैं और ये बता देते हैं देखो हम चरित्र से भ्रष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दर्शन से मजबूत होना चाहिए। और वे लोग भी भोले रहते भटक जाते हैं और आलू भी खाने लगते, वो सोचते कि चरित्र से भ्रष्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाथा और ये आलेख मेरा निवेदन है आप सभी से अवश्य पढ़ लीजिएगा और ये जो है यह बात समाज में 10 दिन में हमें अवश्य एक बार रखनी चाहिए। दंशन हीनो न वंदियो ये जो आगम में बात आती है तो कुंद कुंदाचार्य का जो वचन है असज्जदम न वंदे यह बात भी गौण हो जाएगी। अंत में सबका इशारा आ रहा है, मैं उपसंहार की तरफ जा रहा हूं, चार ही पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए आलेख का पूरा सार उपसंहार में है, दर्शन पाहुड़ में अभी तक जो भूल चली आ रही है यही इस आलेख उसको दूर करना ही इस आलेख का उपसंहार है। जैसे सम्यक और दर्शन को एक मानना सभी विद्वानों की गहरी भूल रही है, प्रत्येक गाथा के पूर्व में बनी हुई किसी की हिंदी या संस्कृत की टीका को बिना जो पाठक अध्ययन करेंगे उन्हीं को इसका अंतर ज्ञात होता है। सम्यक तो सम्यक दर्शन है और दर्शन जिन लिंग है,
इस शब्द का सर्वप्रथम ज्ञान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चिंतन उन्होंने दिया है। इसकी प्राकृत की नंदिनी टीका वो आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, आचार्य श्री ने वहां पर बहुत अच्छा वर्णन किया है। दूसरी भूल, चरित्र भट्टा शब्द से, चरित्र भट्टा का अर्थ चरित्र भ्रष्ट नहीं है किंतु चर्या से भ्रष्ट है, और चर्या का अर्थ गमनागमन आहार वंदन आदि क्रिया है, और चरित्र अंतरंग कषाय के अभाव से प्राप्त परिणति है। अतः भूल सुधार कर हमें अपने साथ अपने सधर्मियों का भी स्थितिकरण कर उन्हें वास्तविक मुमुक्ष बनाना है एवं अपना कल्याण भी पहले कर लेना है, कहीं उनके कल्याण में नहीं रहे, आदहिदम से कादवम भी लिखा है। और दर्शन शब्द अपने आप में समग्रता का द्योतक है, दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी है और दर्शन का अर्थ मुनि मुद्रा भी है। दर्शन शब्द समग्रता का द्योतक होने के कारण अपने आप में पूर्ण है, और जो इस पूर्णता से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है। मात्र सम्यक दर्शन नहीं, तीनों रत्नत्रय, तो ये समग्रता का द्योतक ये ध्यान रखना है, वो अपने आप में पूर्ण है, और जो पूर्णता से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट माना जाएगा। हमें उस दर्शन को पाने के लिए अंतरंग एवं बहिरंग दोनों प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, अर्थात अंतरंग में मिथ्या तो भी जाए और अंतरंग में बाहर कशा भी जाए, और बाहर में पापों का त्याग हो जाए और 28 मूल गुणों का पालन हम करें, यही वास्तविक में दर्शन है। और वह दर्शन साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं, निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, वे साक्षात दर्शन है, क्योंकि दर्शन का अर्थ मुनि दर्शन भी लिया हुआ है, तो उस दर्शन के अर्थ को हमें लेना है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रत्नकरण श्रावकाचार में भी जो बात आई है, तो जो मुनियों की अपेक्षा श्रावकों को श्रेष्ठ कहा है, तो ये बात है वहां पर कि उलझे हुए मुनियों को सुलझाने के लिए सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया है, और उलझे हुए श्रावकों को सुधारने के लिए सुलझे हुए तिर्यंचों का उदाहरण दिया है। तो इससे अपेक्षा ये नहीं कि तिर्यंच श्रेष्ठ हो गए और चरित्र भ्रष्ट को हम ये माने, तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। आलेख आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, जो भी कोई गलती हो उसमें सुधार की भी बात बता दीजिएगा। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम, बहुत सुंदर आलेख यहाँ पर वैभव जी भाई साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसी का प्रश्न नहीं है, इसलिए अब मैं महाराज श्री का आदेश है, इसलिए केवल 2 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ BII दिल्ली में कार्यरत भाई मोहित जी को आए, और संस्कृत भाषा में लेख लिखा है, केवल 2 मिनट में आपको अपना लेख यहाँ पर प्रस्तुत करना है। मोहित जी, श्री सुधा सागर महाराजा जयतु। में अनेक विषया वर्तते, अष्ट प्राब्धत ग्रंथस्य संदर्भे महावृतेभ्यः पूर्वं गुणवृतानां उपादेयता। अष्ट प्राब्धत ग्रंथस्य आचार्य कुंदकुंद स्वामिनः उक्तं दिशि विदिशि प्रमाण परमं अनंत अनट्ठ दंडस्य वज्जडं विधियं भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्यया तिण्णिः। अर्थात दिशां विदिशां च परिमाणं प्रथमं गुणवृत्तम् अस्ति, अनर्थ दंडस्य त्यागं द्वितीयं गुणवृत्तम् अस्ति, भोगो भोगानां परिमाणं तृतीयं गुणवृत्तम् अस्ति, एतानि त्रीणि गुणवृत्तानि सन्ति। अर्थात गुणवृत्तानां उपादेयता कथं जायते, इदानीम् उपसंहारं पठामि केवलमेव। पञ्चाणुवृत्तानि त्रीणि गुणवृत्तानि चत्वारि शिक्षावृत्तानि चेति श्रावकाणां 12 वृत्तानि सन्ति। श्रावकाणां 12 वृत्तेषु गुणवृत्तानां महती भूमिका वर्तते। अष्ट प्राब्धत ग्रंथस्य चारित्र प्रावर्ते त्रीणि गुणवृत्तानि कथ्यन्ते, दिग्वृत्तम् अनर्थदण्डवृत्तम् भोगोभोग परिमाणवृत्तम् च, एतानि त्रीणि गुणवृत्तानि सन्ति। गुणाय चोपकाराय अणुवृत्तानां तद् गुणवृत्तम् गुणवृत्तम्, एतानि गुणवृत्तानि गुणान् वर्धयन्ति तथा च अणुवृत्तानाम् उपकारं कुर्वन्ति, एतेन कारणेन वृत्तमिदं नाम गुणवृत्तम् सार्थकम्। अष्ट प्राब्धत ग्रंथस्य कर्ता आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामिनः दिग्वृत्तम् अनर्थदण्डवृत्तम् भोगोभोग परिमाणवृत्तम् च त्रीणि गुणवृत्तानि मन्यते, परंतु क्वचित् जैनाचार्याः एतानि त्रीणि न स्वीकुर्वन्ति, यथा तत्त्वसूत्रस्य कर्ता आचार्य उमास्वामिनः, महापुराणस्य कर्ता आचार्य जिनस्वामिनः,
च दिग्वृतम देशवृतम अनर्थदंडवृतम च एतानि त्रीणि गुणवृतानि स्वीकृरन्ते। आचार्य समंतबद्ध स्वामिना उक्तम यत् देशवृतस्य समाहारः भोगोपभोग परिमाणवृते स्वीक्रियते। श्रावकः अणुवृतान् अंगीकरोति तैः सहसा गुणवृतानमपि पानम् करोति। वस्तुतः गुणवृतैः तस्य श्रावकस्य जीवने महाव्रत पाननाय सामर्थ्यं प्राप्यते। तदर्थं गुणानां विकासः आवश्यक। अतः एव महाव्रत योग्यत्वं संपादनाय गुणवृतानि महत्वपूर्णानि इति सम। धन्यवाद। बहु सह धन्यवाद मोहित वर्या। इन्होंने बहुत ही कम समय में और संक्षिप्त में सारगर्भित आलेख को यहाँ पर वाचित किया। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दमोह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी और सभी अनुज अग्रजों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले और नैतिक शिक्षा इत्यादि में कार्य लग्न ऐसे संलग्न ऐसे प्रदीप जी आए और केवल दो मिनट में अपने आलेख के उपसंहार को यहाँ पे प्रस्तुत करें। कालातिक्रमः न क्रियते अतः संक्षेपेण वक्ष्यामि। विषय है वैयावृत्ति का स्वरूप एवं समीक्षा। अष्टपौण के संदर्भ में प्रस्तावना आदि सीधी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, केवल बात इतनी सी है कि वैयावृत्ति को मुझे जितना पढ़ के ऐसा लगा कि ये बड़ा सारभूत तप है और सबसे अधिक फल देने वाला तप है। किस अपेक्षा से संक्षेप पहले लिखा है फिर आलेख के बिंदु में प्रस्तावना वैयावृत्ति का तप अंतरंग। एक प्रश्न है कि अंतरंग तप में क्यों लिखा वैयावृत्ति को, इसका भी समाधान लेख में है तो वो आप पढ़ सकते हैं। वैयावृत्ति जो अंतरंग क्यों है, बहिरंग तप जैसा दिखता है तो बहिरंग में क्यों नहीं रखा, बहिरंग वैयावृत्ति किनकी करनी चाहिए, इसके 10 भेद, वैयावृत्ति के उद्देश्य और सबसे बड़ी बात कि अगर वैयावृत्ति का अवसर भी मिल रहा है और अगर कोई श्रावक वैयावृत्ति नहीं कर रहा है तो इसमें भी दोष है। यानी आपके क्षेत्र में कोई त्यागी व्रति है, साधु परमेष्टि हैं और आपको वैयावृत्ति का अवसर है नहीं मिल रहा है तो दोष है। इसमें प्रमाणिक रूप से मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। एक जिज्ञासा आती है कि अष्टपौण की टीका में एक परिभाषा है वैयावृत्ति की, गुणवताम दुख दुखो निपाते निर्वध वृत्तिया तद अपनयनम वैयावृत्यम, अर्थात गुणवानों की वैयावृत्ति बताई है। परंतु अन्य परिभाषा में मिथ्यात आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर भी प्रासुक औषध आहार आदि का व्यवस्था करके भी जो उपदेश आदि दिया जाता है वो भी वैयावृत्ति है। एक तीसरा और प्रसंग आता है कि अगर चूंकि उपदेश मिथ्या दृष्टि को ही दिया जाता है, देशना लब्धि होती है, तो अगर उसको भी उपदेश से वो परिवर्तन हो रहा है तो ये भी वैयावृत्ति के परिप्रेक्ष्य में आएगा। एक और बात आती है कि छोटा और बड़ा की वैयावृत्ति का ऐसा कुछ है रोल, तो बड़ा व्यक्ति छोटे की भी कर सकता है और छोटा व्यक्ति बड़े की भी, मतलब पद में इस अपेक्षा से आदेश प्रत्यादेश या उपदेश आदि दे करके। अब मैं उपसंहार पर जा रहा हूं क्योंकि गुरुदेव के वचन आदि सुनकर के एक दार्शनिक चिकित्सा की पद्धति है जो सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। दार्शनिक चिकित्सा हो चाहे आशीर्वाद से हो, जो 64 रिद्धि वाले मुनिराज हैं उनके आशीर्वाद आदि से हो, तो जो दूर रोग हो जाते हैं ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वैयावृत्ति को देखने पर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उपसंहार में तप का सारभूत इस तप को करने का अवसर मिलने पर सभी कार्यों को गौण करके इसको मुख्यता देनी चाहिए। 16 कारण भावना में भी इसे समाहित है, एलोक परलोक में यह कल्याणकारी है। क्योंकि भैया आ चुके हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि वैयावृत्ति करने का अवसर केवल महाराज जी आदि को जगा करके हाथ पैर दबाना नहीं होता है। जब भी हम जाएं तो टॉबेल और जो औषधि के सामान आदि उनको ले जाएं, आहार के माध्यम से भी वैयावृत्ति की जाती है। स्टेज पर महाराज जी जा रहे हैं तो रास्ता देना, माइक लगाना, शास्त्र भेंट करना, कुछ पूछना समझना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो ये समाहित हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत संक्षिप्त समय में प्रदीप जी भाई साहब ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पे आलेख के माध्यम से हम सभी को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा प्रदीप जी के लिए। ये वैयावृत्ति का ये बहुत अच्छा, महाराज जी जब पंच पे आवे जावे तो उनको सुविधा देना, ये वैयावृत्ति बहुत अच्छी है। और जब महाराज जी यहाँ से निकलते हैं तो उस समय में पैरों को नहीं छूना, ये भी उत्तम वैयावृत्ति के अंतर्गत ही आएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद आज के अंतिम आलेख वाचन के लिए महाराज जी का आदेश था, केवल 2 मिनट का समय है, उपसंहार को यहाँ पे पढ़ना है। आज के अंतिम आलेख वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अग्रज स्नातक संस्थान के उप प्राचार्य किरण प्रकाश जी आए और उपसंहार केवल यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले जो हमारी संगोष्ठी के कुलपति हैं, हमारे संस्थान के यशस्वी संयुक्त निदेशक आदरणीय अरुण जी सर भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, आपके सम्मान में सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। किरण जी भाई सर,
पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि दो ही मिनट में मुझे अपनी बात यहाँ पर रखनी है। मेरा विषय है अष्टपाहुर और आचार्य कुंदगुंद स्वामी के साहित्य में संयमाचरण चारित्र। चूंकि संयमाचरण चारित्र दो प्रकार से आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज ने कहा है, सागर और अंगार की अपेक्षा से, मैं उस तरह की व्याख्या नहीं करते हुए, विशेष रूप से जब हम चारित्र की चर्चा करते हैं तो आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम चारित्र के भेदों में दो तरह का चारित्र, दो तरह का आचार उन्होंने वर्णन किया है, एक दर्शनाचार और एक चारित्राचार। जिनाण जहां उन्होंने गाथा लिखी, जम जानितम नाणम जम पिछे तम च दंसनम निभणियम नाणस्य पिछियस्य समवर्णा होई चरितम, अर्थात जो जानता है वह ज्ञान है और जो प्रतीति कराता है करता है वह दर्शन है। ज्ञान तथा दर्शन दोनों के संयोग होने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। उपर्युक्त गाथा से यह स्पष्ट होता है कि चारित्र की उत्पत्ति सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान के पश्चात ही होती है, परंतु सम्यक तो प्राप्त होने पर चारित्र प्रकट हो ही जाए यह कोई नियम नहीं है। चूंकि हमारे इन आलेखों में सम्यक्त्व चरण चारित्र अलग से एक विषय था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आलेख में ये विषय रखा है। आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज ने दो प्रकार का संयमाचरण चारित्र बताया है, दुविहम संयम चरणम सायारम तह हवे निरायारम सायारम सगंथे परिग्रहा रही खलु निरायारम। इस तरह से सागर और अंगार की चर्चा उन्होंने की है। जहां अंगार की चर्चा उन्होंने की है वहां आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है चारित्र पावड़ में, पंचिंद्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिदितय गुत्ति संयम चरणम निरायारम, अर्थात पांच इंद्रियों का संवर करना, पांच व्रत और इनकी 25 क्रियाएं, अर्थात पांच पांच व्रत की पांच पांच भावनाएं, पांच समिति और तीन गुप्ति, इनका सद्भाव ही निरागार संयमाचरण चारित्र है। इस विषय में मैं एक विशेष बात यहां पर रखना चाहूंगा जो मैं एक मिनट में कहूंगा कि आचार्य कुंदगुंद महाराज की दृष्टि में जब हम चारित्र पाहुड़ को पढ़ते हैं तो उन्होंने अनगार चारित्र या निरागार चारित्र में 28 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने वहां पर इनका कथन करते हुए पांच इंद्रिय संवर, पांच व्रत में पंच महाव्रत और पांच महाव्रत की पांच पांच भावनाएं कहते हुए उन्होंने 25 भावनाएं, पांच समिति और तीन गुप्ति कहकर के संयमाचरण चारित्र निरागार का बताया। लेकिन उन्हीं आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से कथन करते हुए, जहां मुनि महाराजों के चारित्र का कथन किया है वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रवचन सार गाथा 208 और 209 में 28 मूल गुणों का वर्णन किया है। तो पूज्य श्री के चरणों में यह निवेदन है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जहां मुनि महाराज के चारित्र का वर्णन है, श्रावकों की अष्ट मूल गुणों का कथन उन्होंने किया, लेकिन वहां पर उन्होंने 28 मूल गुणों का वर्णन चारित्र पाहुड़ में नहीं किया लेकिन प्रवचन सार में किया। एक विशेष प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में जो इस आलेख को लिखते समय मेरे मन में प्रकट हुआ, जब हम पांच महाव्रतों की पांच पांच भावनाओं का कथन आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज के अनुसार करते हैं, लेकिन जब हम पूज्य उमा स्वामी महाराज को पढ़ते हैं तो वहां सातवें अध्याय में उन्होंने लिखा तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उसके पहले उन्होंने व्रत की परिभाषा दी और देश सर्वतोणु महती कहकर के उन व्रत को दो तरह से समझाया, और पांच पांच भावनाएं जो कही गई है वो व्रत की सामान्य रूप से कही गई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने भी सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट रूप से लिखा है व्रतस्य पंच भावना इति, लेकिन आचार्य कुंदगुंद स्वामी महाराज ने सामान्य व्रत का नाम नहीं लेकर के मात्र ये पांच पांच भावनाएं महाव्रत की कही है, लेकिन अन्य आचार्यों ने सामान्य व्रत की कही है और कहा भी जाता है कि अणुव्रति भी इन भावनाओं को भाए। तो पूज्य श्री के चरणों में मेरा यह जिज्ञासा के रूप में प्रश्न है कि महाराज जी हमें किस रूप में इन भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, समय कम है इसलिए, जहां पर संयम के फल की चर्चा की है, क्योंकि संयम दोनों प्रकार से दर्शनाचार और चारित्राचार दोनों प्रकार से बताया गया है, आचार्य कुंदगुंद महाराज एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने सम्यक्त्व के पालन के समय भी, चूंकि हम करणान योग में ये तो पढ़ते हैं कि करण लब्धि में जब प्रवेश करता है तो सम्यक्त प्राप्ति के अभिमुख उस मिथ्या दृष्टि जीव की असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है, लेकिन वो निर्जरा तब तक होती है जब तक सम्यक्त प्राप्त होता है, सम्यक्त प्राप्ति के पश्चात उसकी निर्जरा नहीं है। निर्जरा का मूल कारण है संयम या एक देश चारित्र से निर्जरा प्रारंभ हुआ करती है, लेकिन आचार्य कुंदगुंद महाराज इसका फल लिखते हैं संखिज्य असंखिज्य गुणम च संसार मेक मित्ताणम
सम्मत्त मनु चरंता करंति दुख खयम वीरा, अर्थात सम्यक्त का पालन करने वाले धीर वीर योगेश्वर कर्मों की संख्यात गुणी निर्जना करते हैं, और संयम का पालन करने वाले धीर वीर योगेश्वर कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। इस तरह से निर्जरा में उन्होंने सम्यक दृष्टि के लिए संख्यात गुणी शब्द का प्रयोग किया और संयमी के लिए असंख्यात गुणी शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से दो तीन विशेषताएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो आचार्य भगवंत के माध्यम से कुछ ही वर्षों पूर्व हम सबके सामने एक विशेष बात ज्ञात हुई कि हमारे पूज्य जो क्षुल्लक महाराज जी होते हैं, 11 प्रतिमाधारी होते हैं, उनके लिए संयमोपकरण के रूप में पिछिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मुनि महाराज का उपकरण है, ऐसा हमें ग्रंथों से पता चला। और उसके प्रमाण के रूप में चारित्र पाहुड़ गाथा 36 की टीका में शुद्ध सागर सूरी महाराज लिखते हैं, जहां मुनिराज के संयमाचरण का वर्णन है, मयूर पिच्छस्य असन्निधाने मृदु वस्त्रेण कदाचित क्रियते निक्षेपणम नामनी पंचमी समितिर भवति, अर्थात मयूर पिच्छी के समीप में न होने पर कोमल वस्त्र से भी परिमार्जन होता है, परंतु यह व्यवस्था कदाचित अथवा किसी परिस्थिति विशेष के होने पर ही होनी चाहिए। हिंदी टीका में मृदु वस्त्र के धारी क्षुल्लक महाराज को कहा है, अर्थात पास में स्थित क्षुल्लक के मृदु वस्त्र से भी परिमार्जन होना चाहिए या संभव है। इससे ये बात घटित पूज्य आचार्य भगवंत का जो बहुत दूर दृष्टि है, और हम देखते भी हैं कि पूज्य क्षुल्लक महाराज जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में मुनि महाराज भी कदाचित ऐसी परिस्थिति आ जाए या आन पड़ती है तो उनके वस्त्र को उनसे लेकर के और परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और भी दो तीन बातें थी लेकिन समय का अभाव है। पूज्य श्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण जी भाई साहब के लिए, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपने आलेख को यहाँ पे प्रस्तुत किया। एक मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे क्षेत्रीय शिविर प्रभारी हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस वर्ष सहस्त्राधिक मंत्रों में जाकर के शिविर लगाए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अग्रिम पंक्ति में आकर के विराजमान हो जाएं, कुछ ही समय में आपका यहाँ पर मंच से सम्मान होगा। इसलिए सभी हमारे क्षेत्रीय प्रभारियों से निवेदन है कि आप अग्रिम पंक्ति में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और अब देखिए हमारे गुरु जी का हम पर कितना आशीष रहता है, और हमारे गुरु जी के जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से दुखी नहीं हो इसका कितना ख्याल रखते हैं। केवल दो आलेख वाचन यहाँ पे होने थे, केवल दो आलेख वाचन होने थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और भी अगर आलेख हैं तो दो दो मिनट तीन तीन मिनट का समय देकर के और वाचन करवा दो। तो ऐसे हमारे गुरुजी का परम वात्सल्य हम सभी स्नातक विद्वानों विद्युषियों पर बना रहता है। अब मैं आज के कार्यक्रम के सत्राध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आज के जो आलेख हैं उनकी संक्षिप्त में समीक्षा यहाँ पर हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। राजेंद्र जी भाई साहब, मुनि पोंगव श्री जी के चरणों में शतशत नमन करता हूँ, संघ के चरणों में भी शतशत नमन। यह बड़ा अवसर है कि हम सभी एक शोध विषय पर इतना अच्छा गहन चिंतन कर रहे हैं। संक्षिप्त में मैं इतना ही बताऊंगा समय न लेते हुए कि हमारे इस सत्र में सर्वप्रथम जो डॉक्टर विनोद शास्त्री, इन्होंने जो सम्यक्तों का स्वरूप संस्कृत में उपस्थापित किया उसमें दर्शन शब्द पर बहुत गहन विचार किया। दर्शन की जो भी अलग अलग दिशाएं है, दर्शन शब्द इतना पारिभाषिक है कि वस्तुतः मुनिश्री के चरणों में मैं एक इस पे भी एक संगोष्ठी केवल दर्शन शब्द पे हो सकती है, और बहुत उसके अलग अलग अर्थ। मुझे एक अर्थ बहुत अच्छा जिसके बारे में मुझे इतना पता नहीं था, जिनलिंग भी दर्शन का अर्थ होता है। मुझे लगता है महाराज श्री ये सामान्य अर्थ में ही ग्रहण किया जाता होगा, विशेष। अच्छा जी महाराज जी, तो दर्शन शब्द के बारे में उसका, जैसा कि विनोद जी ने बताया सामान्य अर्थ बताते हुए, उसका अधिकारी कौन होगा, दर्शन का अधिकारी एग्जैक्टली सम्यक्त्व का अधिकारी कौन होगा, उसके भेद बताए, और जो जड़ रूप अर्थ बता रहे थे उसका,
वो थोड़ा सा प्रणम्य सागर जी के अनुसार वो भी एक मुझे, मैं महाराज जी से निवेदन बाद में जैसा भी होगा, तो जड़रूप अर्थ कैसे हो सकता है सम्यक्त का, ये एक थोड़ा सा है। तो इस तरह से दर्शन शब्द को बहुत ही व्यापकता से और वो सम्यक्त की ओर और वही हमारे मोक्ष का मूल आधार है, इस तरह से उन्होंने प्ररूपण किया। बहुत अच्छा लेख था। शोध की जो प्रविधि है उसका जहां तक इसमें उपयोग हुआ था, क्योंकि शोध पत्र है तो शोध प्रविधि का भी उपयोग उसमें होने से वो शोध पत्र बन जाता है। जो द्वितीय पत्र था, जो वैभव जी मेहत्रे थे, महाराष्ट्र के है, और बहुत अच्छा उन्होंने दंसन भट्टा भट्टा, तो इसकी जो प्रासंगिकता है उन्होंने बहुत अच्छा मार्मिक है, उन्होंने एकांती ओम पर बड़ा प्रहार किया कि यदि आप दर्शन से भ्रष्ट है और केवल हम इसका हम फिर भी बोलेंगे कि हम चारित्रवान है, मुनिलिंग का दर्शन नहीं करते हैं और हम चारित्रवान है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से उनका भी आलेख बहुत उत्तम रहा। तृतीय चतुर्थ और पंचम बाद में इसमें ऐड हुए थे। अष्ट प्रावृत ग्रंथस्य ग्रंथे गुणव्रतानाम प्रासंगिकता, मोहित जी शास्त्री है, बहुत इनका अच्छा और संक्षिप्त में था। और वैयावृत्तियों का स्वरूप, जो कि वैयावृत्तियों की कितनी विधाएं होती है जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, और उसमें उत्तम वैयावृत्ति के स्वरूप में हम सभी के लिए, जो महाराज जी ने भी उसका बहुत ही मतलब सार्थक समर्थन किया कि मुनियों को मुनि विहार में है अथवा इस सभा गृह में भी आ रहे हैं तो किसी भी तरह का उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है और इसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम जो था साहित्य में संयमाचरण, मतलब अष्टपाहुड़ साहित्य में, तो किरण प्रकाश जी है और अभी वो व्याख्याता पद पर है, बहुत अच्छा उन्होंने किया। इसमें चारित्र के भी भेदों में दर्शनाचार और चारित्राचार है, इस तरह से उन्होंने सागर अनगार इत्यादि के रूप में इसका निरूपण किया। मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जो दायित्व दिया था उसके लिए मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिश्री के चरणों में मुझे कुछ बोलने का, धन्यवाद। आज हमारे जितने भी कार्य हैं वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हो रहे हैं, केवल एक कार्य होगा जिसमें हम थोड़ा सा समय लेंगे और वो कार्य होगा हमारे पूरे भारतवर्ष के जो मुख्य शिविर प्रभारी हैं, जब उनका सम्मान होगा उसमें महाराज जी किसी प्रकार की हम समय सीमा को नहीं बांधेंगे। अन्य जितने भी कार्य होंगे उन सब में हम समय को बांध के रखेंगे, क्योंकि हमारे कार्य आज बहुत हैं और समय बहुत कम है। एक छोटी सी घोषणा आलोक जी के माध्यम से हो रही है। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से हम सब लोगों की जो कोई हिम्मत नहीं होती थी, आज ऐसे ऐसे पत्र, एक पत्र अहमदाबाद में अंबिकानगर से पूज्य श्री मिला है और वह लिखते हैं, हमारे निवेदन पर दशलक्षण पर्व हेतु आपकी संस्था द्वारा पंडित जी श्री जीरेन्द्र कुमार जी शास्त्री गुना को हमारे मंदिर जी में भेजा गया, जिन्होंने समाज में सामूहिक पूजन, धार्मिक प्रवचन आदि का लाभ मिला। आपकी संस्था से हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। शास्त्री जी ने पूज्य सुधासागर जी महाराज के प्रति विशेष भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए हमने जो एक बड़ी सम्मान राशि उनके सम्मान में दी थी, उन्होंने संस्थान का यही नियम कि मैं सम्मान राशि दशलक्षण पर्व की स्वीकार नहीं करता हूं, समस्त राशि बहुत बड़ी अमाउंट में थी ऐसा वो लिखते हैं, वह वापस कर दी कि मैं संस्थान की ओर से मुझे कहा गया है कि सम्मान राशि नहीं लेनी है, ऐसा कहते हुए उन्होंने सम्मान राशि वापस कर दी गई है और उन्होंने कहा कि हमें निरंतर आपका सहयोग मिलता रहे, वह भी संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। पूज्य श्री, इस प्रकार और हम सब भी इतने सक्षम बन सके कि हमारे अंतरंग से आ जाए कि मैं भी सम्मान राशि स्वीकार नहीं करूंगा, और हमारे अनुज भले ही है, मैं आज इनको अपना एक और आदर्श मानते हुए पूज्य श्री के इसी मंच से संकल्प लेता हूं, भविष्य में जीवन भर दशलक्षण पर्व में किसी प्रकार की कोई सम्मान राशि स्वीकार नहीं करूंगा। पूज्य श्री, मैं आपके चरणों में
निवेदन करना चाहता हूं, मात्र 2 मिनट के उद्बोधन से हम सभी को और प्रेरित कैसे हो हम सभी कि हम अपने प्रवचन के समय पूज्य श्री हमें ऐसा आशीर्वचन दें कि हम सभी प्रेरित हो सके कि इस प्रकार से हम निस्वार्थ भाव से समाज में जाएं और संस्थान जितना ऊंचा आज है उससे कई गुना ऊंचा हमारे माध्यम से हो, क्योंकि हम सबको पता है संस्थान जितना ऊंचा जाएगा उतना ही ऊंचे हम सभी भी पहुंचेंगे। नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, गुना हमारे अनुज स्नातक और हमारे अग्रज आलोक जी, बहुत समर्पित दोनों विद्वान हैं, गुरु जी के प्रति पूर्णतः समर्पित, संस्थान के प्रति समर्पित हमारे स्नातक विद्वान हैं। मैं बात करूं हमारे गुरुवर की, तो हमारे गुरुवर संतों में महासंत हैं, जिन्हें हम जब भी उपाधि देते हैं तो कहते हैं कि वर्तमान के समंत भद्र, ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर। अगर गुरुवर की बात करें तो अध्यात्म के शिखर पर जो कुंद कुंद महाराज के समान हैं, अगर जिन धर्म की प्रभावना की बात करें तो जो साक्षात समंत भद्र महाराज के समान हैं, अगर ज्ञान की बात करें तो जो साक्षात ज्ञान सागर जी महाराज के समान हैं, और चर्चा की बात करें तो जो हमारे पूज्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज, जो हमारे गुरु के गुरु हैं, उनके समान हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर जिनको हम सभी जिन शासन के शेर के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे मिथ्यात्व भंजक सम्यक्त्व प्रभावक जीर्ण शीर्ण तीर्थ उद्धारक निर्यापक शिरोमणि जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं। एवं महाराज जी, अब हम यहाँ पे जो हमारे शिविर प्रभारी हैं उनका सम्मान करने जा रहे हैं। आपका ध्यान थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं लेना चाहूंगा कि एक अवस्था होती है जहां पर जाने के बाद में, एक अवस्था होती है जहां पर आने के बाद में इंद्रियां भी शिथिल होने लगती हैं, शरीर भी कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसे समय में मैं तो कहूंगा कि 18 फरवरी की वह मनहूस घड़ी, अभी कोई भी मंच पर नहीं आएगा, अभी कोई भी मंच पर नहीं आएगा, जितने भी क्षेत्र प्रभारी हैं आप अपने स्थान पर विराजमान रहे, अभी किसी को मंच पर नहीं आना है। अभी जब आपको बुलाएंगे आप आमंत्रित रहेंगे, हाँ अभी हम बुलाएंगे, जब आमंत्रित करेंगे तब आप आए। बैच वाइज सभी जन पूजन के लिए आएंगे और उसी समय और कुछ अभी से वहां मंच पर भीड़ ना करके एक एक करके उठते रहेंगे, पाद प्रक्षालन करते रहेंगे। क्षेत्र प्रभारियों के लिए जैसा कि आदेश आया है पाद प्रक्षालन के लिए, तो वो अच्छा चलिए। तो मैं बात कर रहा हूं कि जब हमारे संस्थान की स्थापना हुई उस वर्ष से जो अनवरत रूप से संस्थान से जुड़े हुए हैं, अभी जब हमारे विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई तब बहुत दुख था पूरे भारत में, तब महाराज श्री ने सभी लोगों को, महाराज जी का आदेश है, आदेश है जो आपकी व्यवस्था उसी अनुसार चलाओ। अभी कोई भी पाद प्रक्षालन के ऊपर नहीं आएंगे, सभी से निवेदन है केवल जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो ही पाद प्रक्षालन पहले कर ले रहे हैं, क्षेत्रीय प्रभारी अभी व्यवस्था करा है ना। अभी आप लोग जो भी क्षेत्रीय प्रभारी नहीं है वो सब नीचे आ जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं कि जब भारतवर्ष में दुख था आचार्य श्री के जाने का, हम सभी मिलकर के महाराज श्री के पास गए और महाराज श्री से कहा कि महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको इतना दिया है उनके लिए हम कुछ कर पाए। तो महाराज श्री का आदेश था कि इस वर्ष जितने भी शिविर लगे गुरु उपकार महोत्सव के रूप में आप लोगों को शिविर लगाने हैं। और जब बात आई कि इसकी व्यवस्था कौन देखेगा, तो महाराज श्री का आदेश मिला कि हमारे उत्तम जी पाटनी हैं, इन्हीं को हम पूरे भारत वर्ष का मुख्य शिविर प्रभारी बनाएंगे और इनके निर्देशन में सभी शिविर प्रभारी मिलकर के और समूचे शिविरों को आयोजित करेंगे। महाराज जी में संक्षिप्त में केवल उत्तम जी पाटनी बाबूजी के बारे में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी शिविर प्रभारी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अगर रात में 12 बजे भी आपको फोन करे तो उस समय में भी उसकी समस्या का निवारण होता था। हम लोगों को भी लगातार मार्गदर्शन आपका मिलता रहता था। ऐसे हमारे आदरणीय बाबूजी उत्तम चंद्र जी पाटनी हमारे शिविर के मुख्य प्रभारी, हम यहीं से आज के सम्मान को प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संस्थान की, हमारे सागर चातुर्मास समिति की जो भी समिति है आप यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ में हमारे
उत्तम जी पाटनी हैं, शिविर में इतने तन्मय हैं कि शिविर में कमेटी कोई थोड़ी सी भी कंजूसी या गड़बड़ी करती तो एक कमेटी से भी लड़ बैठते हैं और कभी कभी हमारे से भी सामना कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, शिविर के प्रति इनका बहुत रुझान है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को तन्मय होकर करता है तो सफलता जरूर मिलती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऋषभ जी भाई साहब और भी हमारे सागर चातुर्मास समिति के समस्त महानुभावों को, साथ ही साथ में हमारे संस्थान के पदाधिकारीगण, आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय संयुक्त निदेशक महोदय एवं स्नातक परिषद के जो भी मानद मंत्री इत्यादि आप लोग आए और आकर के उत्तम जी पाटनी बाऊजी का हम यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। सभी जोरदार तालियां बजा करके हमारे भारत वर्ष के ही नहीं अपितु तो संपूर्ण जितने भी शिविर लगे हैं उनके मुख्य प्रभारी उत्तम जी पाटनी साहब। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संस्थान बालिका छात्रावास की आदरणीय अधिष्ठात्री शीला जी, आप आए और आकर के आप भी सम्मान करेंगे। बालिका संस्थान, क्षमा चाहूंगा, बालिका संस्थान की अधिष्ठात्री। सभी स्नातक मुख्य शिविर प्रभारी का सम्मान हो रहा है, सभी जोरदार तालियां बजा करके मुख्य शिविर प्रभारी महोदय का स्वागत करेंगे। अच्छा, मुख्य संयोजक जो समूचे भारतवर्ष के मुख्य संयोजक हैं उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। सभी से निवेदन, हमारी जो तालियों की गड़गड़ाहट है उसको कम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सम्मान हो रहा है हमारे मुख्य संयोजक महोदय का। हाँ, मैं आदरणीय मुख्य संयोजक श्री उत्तम जी पाटनी बाबूजी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे शिविर लगे हैं उनका क्या लेखा जोखा है, आप अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर प्रस्तुत करें। आदरणीय उत्तम जी बाबूजी। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सहस्त्राधिक शिक्षण शिविर प्रणेता अस्माकम गुरु के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। इस बार पूरे भारतवर्ष में ग्रीष्मकालीन शिविरों में अंतर्गत 1250 मंदिरों को पूरे भारतवर्ष में धर्म लाभ मिला, जिसमें हमारे क्षेत्र प्रभारियों के अलावा अन्य स्नातक विद्वानों ने भी अपना योगदान दिया। हमारे संस्थान की अधिष्ठात्री श्रीमती शीलाजी डोड़िया के नेतृत्व में जयपुर में एवं आसपास में 55 स्थानों पर शिविरों का बहनों द्वारा भी आयोजन किया गया, जो बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आदरणीय श्री नरेश जी बैद ने कोटा में शिविरों का आयोजन करवाया, इस हेतु संस्थान उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करती है। शिविरों के सफल आयोजन हेतु संस्थान के अधिष्ठाता डॉक्टर जयकुमार जी जैन, निर्देशक डॉक्टर शीतल जी जैन एवं संयुक्त निर्देशक श्री अनुकुमार जी जैन ने भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। संस्थान प्रभारी पंडित विकास जी सिंगई वंडा ने अपने सूझबूझ से शिविरों को संभाला। पंडित सतीश जी जो संस्थान के प्राचार्य है एवं दीपक जी ने संस्थान के प्रभारी के रूप में शिविरों में अपना सहयोग दिया। पंडित प्रदीप जी शास्त्री एवं संस्थान के समस्त महानुभाव ने शिविरों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सामूहिक शिविर आवासीय शिविर की श्रृंखला में पंडित वैभव जी मैत्रे ने औरंगाबाद में शिविर का आयोजन किया। पंडित अनंतराज उपाध्याय हलिंगले कर्नाटका में उन्होंने 1000 से भी ऊपर शिवरार्थियों को लेकर शिविरों का आयोजन किया। पंडित आलोक जी शास्त्री बड़ामलार दिल्ली कृष्णा नगर में उन्होंने 1000 से ऊपर शिवरार्थियों को एक साथ लेकर शिविरों का आयोजन किया। पंडित अमित जी शास्त्री जबलपुर में एक साथ 1500 से अधिक शिवरार्थियों को साथ लेकर शिविरों का आयोजन किया। इन्हें भी अलग से सम्मानित करने का हमने संस्थान ने सोचा है। पंडित अनुज जी शास्त्री बंडा
जो लखनऊ से 5 लाख से ज्यादा धनराशि एक ही स्थान से एकत्रित करने पर संस्थान द्वारा 11,000 रुपए से विशेष सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अनुज जी शास्त्री जिन्होंने एक ही स्थान से 5 लाख से ज्यादा दान राशि प्राप्त की, इन शिविरों में पूरे भारत के लगभग 60,000 शिविरार्थियों ने धर्म लाभ लिया, जिसमें से आधे से अधिक बालक बालिकाएं बालक बालिकाओं ने धर्म का अध्ययन किया। मेरी कमेटी को भी मैं पूर्ण साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा कहीं भी कोई साथ नहीं छोड़ा और सब जगह मेरा साथ देकर इस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ और मैं एक ये बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र जो शिविर सवारी है उनकी सम्मान राशि संख्या के अनुसार रखी गई है। इस बार संख्या के अनुसार रखी गई है। एक शिविर वाले को 6100 रुपये, 1 से 4 वाले को 7100 रुपये, 5 से 10 वाले को 9100 रुपये, 1119 वाले को 1100 रुपये, 11,000 रुपये, 20 से 30 वाले को 15,000 रुपये, 31 से 40 वाले को 21,000 रुपये एवं 50 से अधिक वाले को 31,000 रुपये रखे गए हैं। मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्नातक यहां बैठे हुए हैं संस्थान के, चाहे उनकी संख्या 500 हो, 700 हो, जो भी हो, अगर अपनी राय या सुझाव शिविर के बारे में, आने वाले शिविर के बारे में कुछ अच्छा करने के लिए देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे आगे हमारे संस्थान का और भी भव्य शिविर प्रस्तुति हम समाज के सामने कर सके। इसी के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। ओम। बहुत ही संक्षिप्त में आदरणीय मुख्य संयोजक श्री उत्तम जी पाटनी बाबूजी के माध्यम से शिविर की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। सार रूप में केवल यही है कि इस वर्ष अगर समूचे भारत वर्ष में किसी का डंका बजा है तो वो है हमारे पूज्य गुरुदेव और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जिनके विद्वानों के माध्यम से लगभग 1200 से अधिक मंदिरों में जाकर के और शिविरों का आयोजन किया गया। और जितने भी एकांत हैं, एकांतवाद के पक्षधर हैं या अन्य जो भी हैं, उन सबको अलग करते हुए और हमने अपने झंडे को जाकर के उस स्थान पर गाड़ा है। ऐसे शिविर संयोजक महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस बार शिविरों की एक और विशेषता है, मैं बाबूजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दमोह में जो शिविर लगा था तो उसमें अध्यापक के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव भी दमोह शिविर में वहां पर अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो ऐसे पूरा संघ और केवल गुरुदेव नहीं और संघ के जितने साधु हैं सभी ने मिलकर के शिविर में अध्यापन किया था। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जो भी, अच्छा मैं सबसे पहले मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे मुख्य संयोजक के साथ में कदम दर कदम आगे बढ़ते चले और ऐतिहासिक जो हमारे शिविर लगे हैं उनको लगाने में अपनी महती भूमिका प्रदान की है और जो अनवरत कई वर्षों से संस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय अग्रज श्री विकास जी भाई साहब, इन्होंने अथक परिश्रम के माध्यम से सारी रिपोर्ट तैयार की है और सभी सेवाओं में पुस्तकों को वितरित करने इत्यादि में अपनी सेवा प्रदान की है। मैं सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मंत्री श्री सुरेश जी भाई साहब के लिए, मुख्य संयोजक श्री उत्तम जी पाटनी बाबूजी के लिए, आदरणीय प्राचार्य श्री सतीश जी, किरण प्रकाश जी भाई साहब एवं अरुण जी सर आए और आकर के जो हमारे भारतवर्षीय शिविर प्रभारी हैं, ऐसे विकास जी भाई साहब का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। सभी आपके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। चलिए, सबसे बड़ी अहम भूमिका इन शिविर प्रभारियों की रही है, जो शिविर प्रभारी और समाज के बीच में सामंजस्य रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है। हमारे प्रभारियों में
समाज की आलोचनाएं भी सहन की, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज में आलोचक तो होते ही हैं, विरोधी भी थे। आलोचक होना और विरोधी होने में अंतर है। तो विरोधी भी थे, आलोचक भी थे, लेकिन सभी शिवरार्थियों ने, प्रहारियों ने जो सहिष्णुता दिखाई और विनम्रता के माध्यम से विरोधियों के भी दिल जूत कर उनके गढ़ों को ढह दिया। मैंने कई स्थानों पर एकांतवादियों का बहुत जोर था, लेकिन इन लोगों ने इतनी कुशलता से उन एकांतवादी स्थानों पर भी सफलतापूर्वक शिविर लगाए। हमारे पास सारे समाचार आते रहते हैं। प्रभारियों से मेरा और भी कहना है, आप लोग भी जितने स्नातक बैठे हैं, जहाँ जिसको मौका मिले अपना शिविर लगाओ। शिविर से आपको भी और जिनवाणी की बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा अपन किसी दूर समाज की नहीं कर रहे, ये अपनी जिनवाणी की सेवा है। इसलिए आप लोग भी प्रभारी बने। और सभी प्रभारियों से मेरा कहना है, सबसे बड़ा जहाँ भी शिविर लगाएं, वहाँ रहने वाले सभी स्नातकों की एक मीटिंग करें। पहला काम सबसे बड़े प्रभारियों का है, जिस एरिए के आप प्रभारी हैं उस एरिए में पहले स्नातकों की लिस्ट लो, आपके पास नहीं हो तो संस्थान से लो, और सारे स्नातकों की मीटिंग करके फिर लगाओगे तो आपके शिविर में 1 से 11, 11 से 111 भी पहुंच जाओगे। अपन को अपने साधर्मी का कितना भी मन मुटाव क्यों ना हो, जब अपन धर्म की प्रभावना करने जाएं तो अपना सब मनोमालन दूर करके माँ को ध्यान रखना है। वो मेरी माँ है, हम उसके बेटे हैं। आपसी में तो बेटों में थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन माँ तो एक ही है ना। तो सबसे पहला आज प्रभारियों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा करने के लिए सबसे पहले जो जहाँ का प्रभारी है वहाँ के स्नातकों की मीटिंग करेगा और उनको अपने बराबरी का सम्मान देकर, अपने बराबरी को मान करके उनके साथ करेंगे तो और अच्छा होगा। चलो, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान की कड़ी में जो भारतवर्षीय सेवे प्रभारी रहे हैं, बहुत ही मधुर बात्सल्यमय आपका व्यवहार रहता है। मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे संस्थान के वर्तमान प्राचार्य महोदय श्री सतीश जी भाई साहब के लिए। आपकी जो मुस्कान है वो तो सबको आकर्षित कर लेती है। ऐसे सतीश जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा, सभी जोरदार तालियां बजाएं सतीश जी के सम्मान में। आप प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं, अभी 10 लक्षण का प्रभार भी आपने देखा है और शिविर के प्रभार को भी लेकर के, और चारों क्लास भी आप वहां पर पढ़ा रहे हैं। ऐसे सतीश जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, सभी जोरदार तालियां बजा करके सतीश जी का सम्मान करें। सम्मान की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जिन्होंने विद्वत श्री सतीश जी मेहरोनी, जिन्होंने विद्वत श्री विकास जी बंडा के साथ साथ संस्थान के शिविर प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, विद्वत श्री दीपक जी शास्त्री सागर, जो आपके सागर के ही हैं, अभी वर्तमान में आप संस्थान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही साथ आपने शिविरों में अध्यापन का कार्य तो किया ही है, लेकिन आप संस्थान के प्रभारी होने के साथ साथ जिन जिन स्थानों पर हमारे विद्वानों ने, स्नातकों ने शिविर लगाए हैं, उन शिविरों का जब समापन समारोह हुआ उसमें भी आपने जगह जगह जाकर के उस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। हम सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस सम्मान की श्रृंखला में हमने इन चार विभूतियों को सम्मानित होते हुए देखा है। संस्थान के प्राण स्वरूप पूज गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, उनका जो विचार है, या शिविरों के प्रति उनका जो दूर दृष्टिकोण है, उस दूर दृष्टिकोण के कारण से या उनके मार्गदर्शन के कारण से ही शिविरों में अपार सफलताएं मिली हैं। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा भारतवर्ष का ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जहां श्रवण संस्कृति संस्थान का विद्वान ना पहुंचे, बस पूज गुरुदेव के आशीर्वाद की आकांक्षा है। इसी क्रम में आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा पंडित स्पीड से सर, जल्दी जल्दी परिचय कम करें।
शिविरों के प्रभारियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विद्वत श्री राकेश जी शास्त्री भारल्य टीकमगढ़ छतरपुर। इन्होंने 12 स्थानों पर शिविर लगा करके संस्थान के जो धर्म की प्रभावना का उपक्रम है इसमें अपनी महती भूमिका अदा की है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन करते रहे। इन्होंने अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं के बावजूद भी इतना समय निकाला है, मंदिरों मंदिरों में जाकर के वहां के प्रतिनिधियों को समझाया है कि संस्कार शिविरों की क्या महत्वता है, तब जाकर के अथक परिश्रम से शिविर लग पाते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो इतने पुण्यशाली हैं, जिन्होंने पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में रह करके शिविरों का आयोजन कराया है, डॉक्टर प्रदीप जी जैन दमोई। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब जो दूरदर्शन पर अपनी कक्षाएं संचालित करते हैं, साथ ही साथ में भी नैतिक शिक्षा की जो किताबें लिखी जानी है उसकी भी जिम्मेदारी आपको मिली है। और इनका शिविर हम ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे क्योंकि आज तक के इतिहास में पहली बार है कि तीन तीन निर्यापक श्रमणों के माध्यम से एक ही शिविर में अध्यापन कार्य किया गया है। ऐसे प्रदीप जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां सभी बजाएंगे। इसी सम्मान श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर भरत जैन इंदौर, जिन्होंने इंदौर के मुख्य मुख्य मंदिरों में शिविर लगा करके धर्म की प्रभावना की है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं जो एक दशक से अधिक समय से भोपाल नगरी में शिविरों का आयोजन करते आए हैं और ये शिविरों की संख्या 20 25 30 35 40 तक पहुंच जाती है और सैकड़ों की संख्या में जब विद्वान सागर से रवाना होते हैं भोपाल की तरफ तो पूछने वाले पूछते कि कोई बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसी शिविरों में इन्होंने भी 35 स्थानों पर इस बार शिविर लगाए हैं। मैं सभी प्रभारियों से कहूंगा कि शीघ्र आप सम्मान के लिए आते जाएं पंडित जयदीप जी शास्त्री भोपाल। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पंडित अमित जी शास्त्री टीकमगढ़, जो वर्तमान में जबलपुर में निवासरत हैं और ये निश्चित रूप से हर समय संस्थान के लिए प्रभावना के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित अनुभव जी शास्त्री खनिया धाना, इन्होंने 12 स्थानों पर शिविर लगाए हैं, ये शिवपुरी क्षेत्र के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ बुलाना चाहता हूँ पंडित अनुपम जैन धार, इन्होंने 5 स्थानों पर शिविर लगाए हैं। पंडित अरुण कुमार जी शास्त्री जबलपुर, इन्होंने महाकौशल क्षेत्र जो वहां पर शिविरों का आयोजन किया है। चंबल क्षेत्र में धर्म की प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है पंडित नवीन जी शास्त्री, इन्होंने 36 स्थानों पर शिविर लगाए हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से इनका हार्दिक अभिनंदन करें। साथ ही साथ पंडित सुनील जी शास्त्री शमनापुर, इन्होंने 4 स्थानों पर शिविरों का आयोजन करा है। पंडित अमित जी शास्त्री महाराष्ट्र, पंडित वैभव जी मैत्री जालना, डॉक्टर राजेंद्र जी चिंतामणि जैन नागपुर, पंडित लवलेश जी महाजन, पंडित प्रशांत जी रावत भाटा, पंडित विवेक जी शास्त्री, पंडित अंकेश जी शास्त्री, पंडित सौरभ जी शास्त्री, पंडित सुरेश जी शास्त्री निवाई, विद्वत श्री अंकित जी राहतगढ़, विद्वत श्री विक्रम जी अलवर, विद्वत श्री अंकित जी शास्त्री सवाई माधवपुर, विद्वत श्री आशीष जी शास्त्री गोटेगांव, विद्वत श्री आलोक जी शास्त्री बड़ा मलेरा, जो इस संगोष्ठी इस अधिवेशन के मुख्य संयोजक हैं। इन्होंने फरीदाबाद गाजियाबाद नोएडा दिल्ली एवं एनसीआर में 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया है। पंडित आलोक जी मोदी, पंडित जिनेंद्र जी शास्त्री मथुरा, डॉक्टर आनंद जी बनारस, पंडित राजेश जी शास्त्री शेषई, संस्थान के उप प्राचार्य डॉक्टर किरण प्रकाश जी जैन मालपुरा, विद्वत श्री थोड़ा रुक जाए,
जब तक इंटरव्यू लाइन लगी, सभी स्नातकों से कहना मेरा है, ये प्रभारी बने हैं, जो भी अभी भी आज भी अगले वर्ष के लिए प्रभारी बनना चाहे अपने एरिया के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, वो अपना नाम अभी भी यहाँ दे दें तो आज भी उनको आगे के लिए प्रभारी घोषित कर दिया जाएगा। और किसी को बढ़ाना है प्रभारी तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई किसी का नहीं, हर स्नातक जहाँ का चाहे वहाँ का प्रभारी बन सकता है, क्योंकि जिनवाणी का प्रचार है, इसमें कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यदि कोई भी इतने स्नातकों में जो जहाँ का प्रभारी बनना चाहे शिविर का, अपना नाम स्थान और देकर करे, हम यही उसको इस साल के प्रभारी का आशीर्वाद दे देंगे। स्थान बताना होगा और नाम लिखना होगा। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा संस्थान के गौरव बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री बीरेन जी शास्त्री हीरापुर, साथ ही साथ पंडित जितेंद्र जी शास्त्री गुना, पंडित अजीत जी शास्त्री तिनसुकिया, पंडित सौरभ जी शास्त्री रायपुर, मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारा संस्थान पूरे उत्तर भारत में तो धर्म की ध्वजा को फहरा ही रहा है, लेकिन कमी है तो केवल इतनी कि झारखंड बिहार उड़ीसा यहाँ पे जो जैन समाज है उनको जोड़ने की और वहां पर शिविर संचालित करने की, तो इसकी जिम्मेदारी संजीव जी जैन बरा के लिए दी गई है। आप इस वर्ष आपने महाराज श्री से भी ये संकल्प लिया है कि इस बार हम वहां पे बहुत अधिक से अधिक स्थानों पर शिविरों का आयोजन करेंगे। संजीव जी शास्त्री बरा, जो भी हमारे प्रभारी महोदय हैं वो थोड़ी शीघ्रता करें। इस बार हमारे शिविर की उपलब्धि है, कानपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे शिविर नहीं लग पाते थे, हमारे सुमित जी भाई साहब कानपुर की हैं और उनकी वहां पे बहुत अधिक वैल्यू है और बहुत अच्छे से वो वहां पर कार्य भी करते हैं, लेकिन किसी कारणवशात वहां पर अभी शिविर नहीं लगे थे, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे राजेश जी शास्त्री सागर इनके द्वारा कानपुर का संयोजन किया गया और वहां पर अभी तक एकांतवाद के शिविर लगते थे, लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अब से जब भी शिविर लगेंगे कानपुर में तो केवल श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के शिविर ही वहां पर आयोजित किए जाएंगे। अजीत जी शास्त्री तीन सुकिया भाई साहब आप भी आए, आपने पूर्वांचल में शिविर आयोजित किए थे। जितेंद्र जी शास्त्री गुना आप भी आए सम्मान के लिए, आपने पूरे अहमदाबाद में जो धर्म की ध्वजा को आरूढ़ किया है, जो श्रमण संस्कृति संस्थान का नाम रोशन किया है, उसके लिए आप प्रशंसनीय हैं और गुरुदेव के सच्चे भक्त परम समर्पित ऐसे जितेंद्र जी शास्त्री गुना आप भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। साथ ही साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित अजित जी शास्त्री तीन सुख अगर आ चुके हैं तो आप भी सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। और हमारे स्नातक परिषद के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री सौरभ जी शास्त्री रायपुर आप भी आए और हाँ शिविर इसके लिए। और साथ ही साथ में मैं आवाज दे रहा हूँ, हरियाणा एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे शिविर ही नहीं लग पाते थे, उस स्थान पर भी जिन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान की ध्वजा को आरूढ़ किया है और गुरुदेव के डंका को बजाया है, ऐसे अमन जी शास्त्री मुगावली आप भी आए और सम्मान को ग्रहण करें। और भी बाहुबली जी ने भी दमोह में बहुत अच्छे से कार्य किया है, आप भी प्रशंसनीय है। और भी अगर हमारे कोई शिविर प्रभारी अगर अभी शेष हो तो आप भी शीघ्र यहाँ पर आमंत्रित हो जावे। हाँ गुना और अशोक नगर के लिए प्रभारी के रूप में नाम आया है संजय जी शास्त्री गुना और पुनीत जी शास्त्री, इनके नाम हमारे पास में आए हैं। अच्छा मैं महाराज जी का दो मिनट के लिए समय यहाँ पर लेना चाहूंगा कि अनंत राज्य उपाध्याय हमारे शिविर प्रभारी रहे, उन्होंने जो एक सामूहिक शिविर आयोजित किया गया था जिसमें संख्या 1200 से अधिक थी और साथ ही साथ में औरंगाबाद से ब्रह्मचारिणी दीदी आई हैं, जो आवासीय शिविर लगा था उसमें जो बहने हैं उनको हाँ वैभव जी
छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में 800 लोगों का आवासीय शिविर लगा था और लड़कों के साथ लड़कियां भी रहने के लिए थी, तो ये बहुत मतलब कठिन काम था। तो उसमें ब्रह्मचारी सुधा दीदी यहाँ पर आई है, तो आचार्य श्री से उन्होंने व्रत लिया है, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा क्लास पढ़ाया भी और लड़कियों की व्यवस्था भी की, और विशेष रूप से संस्थान से जो सम्मान मिलता है उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि मैं कोई राशि नहीं लूंगी, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान के हर शिविर में पढ़ाने के लिए आऊंगी। ऐसे दीदी का सम्मान के लिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए, छतरपुर में अगर कोई प्रभार लेना चाहता है तो उनका भी यहाँ पर स्वागत है। आप भी महाराज जी से संकल्प लेकर के अगले साल उस प्रभार को ले सकते हैं। और कटनी जिला प्रभारी विकास जी शास्त्री अगर उपस्थित हैं तो आप भी आएं और हमारे सम्मान को यहाँ पर ग्रहण करें। साथ ही साथ में आशीष जी आचार्य के द्वारा भी सागर में शिविर लगाए गए हैं, आप भी अगर उपस्थित हैं तो आप यहाँ पे आ जावे। और भी अगर कोई हमारे शिविर प्रभारी हैं, अगर हमारे नाम लेने में कोई गलती हुई हो और आप यहाँ उपस्थित हो तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी यहाँ पर उपस्थित हो जावे। हाँ, कटनी के प्रभारी विकास जी बन रहे हैं, उसके लिए वो महाराज जी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अब मैं और भी जो हमारे शिविर प्रभारी हैं वो भी शीघ्रातिशीघ्र आए अपने सम्मान को ग्रहण करें। वीरेंद्र जी हमारे संस्थान के गौरव ब्रह्मचारी वीरेंद्र जी शास्त्री हीरापुर अगर आप उपस्थित हैं तो आप भी सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। आपने पश्चिम बंगाल में व्यवस्थाएं देखी थी। और साथ ही साथ में हमारे किरण प्रकाश जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो आप भी हमारे शिविर प्रभारी थे। किरण प्रकाश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप भी आए और हमारे सम्मान को ग्रहण करें। और सम्मान की कड़ी में मैं अंकेश जी जिन्होंने पूरे बांसवाड़ा और आसपास का जो बागड़ क्षेत्र वहां में शिविर प्रभारी की भूमिका को निर्वाह किया था, ऐसे अंकेश जी भी अगर उपस्थित हो तो आप भी सम्मान के लिए यहां पर उपस्थित हो जावे। अंकेश जी, विवेक जी, विवेक जी अगर उपस्थित हैं अर्थोना तो आप भी सम्मान के लिए यहां पर उपस्थित हो जावे। साथ ही साथ में झांसी में मुकेश जी भाई साहब के माध्यम से शिविर लगाए गए थे, आप भी उपस्थित हो तो यहाँ पे आए और सम्मान को ग्रहण करें। चलो अनुपम जी धार अगर उपस्थित हैं तो आप भी सम्मान के लिए यहां पर उपस्थित हो जावे। अभी कोई भी स्नातक अपने स्थान से नहीं उठे, मैं आवाज दे रहा हूं। मैं सुमित जी कानपुर के लिए कुछ समय के लिए ये मंच दे रहा हूँ, आप आए और आपकी जो भी चर्चा है हमारे वरिष्ठ स्नातक आदरणीय सुमित जी भाई साहब कानपुर आकर के जो भी आपकी आगामी योजनाएं हैं उन सभी के बारे में हम सभी के लिए संक्षिप्त में बताएंगे। सुमित जी कानपुर संक्षिप्त में अपनी जो भी रूपरेखा है उसको यहाँ पर रखें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार कोटिसा नमोस्तु, पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी, पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में छामी। पूज्य मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से कानपुर में जो जैन शोध पीठ की स्थापना की गई है, और कल मैंने यहाँ की फोटो महाराज श्री अपने कुलपति जी के पास भेजी, तो पूज्य मुनिश्री उनका एक संदेश कुलपति जी का आपके लिए आया है। उन्होंने कहा कि पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा एक निवेदन रखिएगा कि आपकी जो बगिया के फूल हैं वो बहुत महक रहे हैं, लेकिन दिल में एक दर्द है, कष्ट है, अगर पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से वह संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा इतने वर्ष हो चुके हैं लेकिन कोई एक ऐसा छात्र हमको दीजिए जो विश्व रिकॉर्ड बना सके। अभी तक सबसे ज्यादा PhD भीमराव अंबेडकर जी ने की है 32। कोई ऐसा एक संस्थान का छात्र हमको मिले जो उस 32 PhD के रिकॉर्ड को तोड़ सके। और जब कल कमेटी हमारी आई थी और कुलपति जी के पास से हमारे पास आदेश आया है
कि जो भी ये 32 पीएचडी करने वाला होगा उससे ऊपर रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा, 32 पीएचडी की जितनी भी फीस होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पे की जाएगी, और पूज्य मुनिश्री का जितना भी दीक्षा समारोह चल रहा होगा वर्ष का, उतने लाख रुपए की स्कॉलरशिप उसे अलग से दी जाएगी। पूज्य मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से जो शोधपीठ प्रारंभ हुई है उसमें हम अगले वर्ष बीए, एमए, पीएचडी और आपके आशीर्वाद से ज्योतिष और वास्तु में कर्म डिप्लोमा, जैन कर्म कांड में डिप्लोमा ला रहे हैं, और एक और प्रयास कर रहा हूं कि अपना बहुत सा जैन साहित्य तमिल, मराठी, कन्नड़ भाषा में है, और मैंने अभी देखा एकांतवादी के जितने छात्र हैं वो वहां जाकर उन शास्त्रों को अपने अंडर में ले रहे हैं और उसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने में। तो तमिल, मराठी, कन्नड़ भाषा का डिप्लोमा कोर्स भी हम अगले साल प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे हमारे संस्थान के छात्र उससे जुड़ सकें और जो साहित्य आप प्रकाशित है इन भाषाओं पे उसमें भी वह कार्य कर सके। और पूज्य मुनिश्री, कुलपति जी का निवेदन है कि एक छात्र हमें जरूर ऐसा दें जो भीमराव अंबेडकर जी की 32 पीएचडी हैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ सके और वह अपने संस्थान का छात्र हो। पीएचडी की जितनी फीस होगी वह यूनिवर्सिटी प्रदान करेगी। और उन्होंने एक चीज और बोली कि महाराष्ट्री के चरणों में निवेदन करना कि आपका जितना दीक्षा संस्कार समय चल रहा होगा, वर्ष चल रहा होगा, उतनी स्कॉलरशिप भी लाख में उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से ही प्रदान की जाएगी। ये कल का उन्होंने देखकर बोला है। तो पूज्य जितने हमारे स्नातक हैं उनसे निवेदन है कि आप आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो शास्त्री आचार अपने छात्रावास से हो रहा है, आगे की पढ़ाई के लिए आप हमारे यूनिवर्सिटी से, शोधपीठ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कोर्स नहीं जो हमारी यूनिवर्सिटी पे नहीं होता है, सारे कोर्स। और कल हमारे अधिष्ठाता जय कुमार जी ने घोषणा की थी कि जो बीएड करने वाले हैं उनके पास फीस नहीं है, उनकी फीस की व्यवस्था करेंगे। तो कल हमारी जो शोध कमेटी आई हुई थी वह भी बोल कर गई है कि एक घोषणा करिएगा कि कोई ऐसे छात्र जो बीएड करना चाहते हैं जिनके पास फीस नहीं है, वह अगर जैन शोधपीठ से जुड़कर बीएड करना चाहते हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था भी जैन शोधपीठ करेगी। इतना ही कहना चाहूंगा, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी भाई साहब के लिए, उन्होंने जो अपनी योजनाएं हैं उनके संदर्भ में हम सभी को बताया। और अब जिसका हम सभी स्नातकों को बेसब्री से इंतजार रहता है वो होता है पूज्य मुनिश्री की अष्ट द्रव्य के माध्यम से संगीतमय पूजन करना। उसके पहले जो कुछ बहनें हैं जो संयोजिका रही हैं, महाराष्ट्र में बहन अश्विनी के माध्यम से शिविर लगाए गए थे, कर्नाटक में प्रगति बहन, विदुषी बहन प्रगति के माध्यम से, ललितपुर उत्तर प्रदेश में विभा जैन के माध्यम से, हाड़ौती में निकिता जी के माध्यम से, अच्छा आगे के लिए संयोजक बनेगी, दिल्ली के लिए बहन उर्वशी, सागर के लिए रितिका केवल महिमा जी संयोजिका होंगी, जबलपुर के लिए अनुभा जी, पूर्वी जी का नाम आया है, कोटा के लिए प्रांजल जी, बनारस के लिए अंशिका जी, बनारस भोपाल के लिए आस्था जी फुटेर, इन्होंने महाराज जी कहा है कि आगे जो शिविर लगेंगे तो हम उसमें संयोजिका कार्य करने में सक्षम हैं। और मैं अब सीधे पूजन में हम आते हैं। मैं सभी स्नातकों से आग्रह करूंगा कि आपके सत्र को जब यहां पर बुलाया जाए, हमारे पास में अष्ट द्रव्य है उनसे भगवान महाराज की पूजन होगी, तो जब आपका नाम आएगा तभी आपको पीछे से द्रव्य की थाली लेकर के सत्र सहित यहाँ पर उपस्थित होना है, और उसके बाद में फिर पाद प्रक्षालन होगा। सबसे पहले मैं और जो भी शिविर प्रभारी रहे हैं जिनका नाम यहाँ से उच्चरित नहीं किया जा पाया है अथवा जो यहाँ पे नहीं आए हैं, तो उन सभी का सम्मान यहाँ पे होगा। हमारे बूंदी क्षेत्र में मयंक जी ने भी शिविर की संयोजना की है, आपके लिए भी बहुत बहुत आभार, आपका भी आगे हम सम्मान करेंगे।
और जो नए संयोजक शिविर के बनना चाहते हैं वो आलोक जी बड़ा मेहरबान से उसके लिए संपर्क कर लेवे अथवा उनको पर्ची लिख करके दे देवे। अब मैं अष्ट द्रव्य से मुनिश्री की पूजन करने के लिए संगीतमय पूजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संस्थान के गायक श्री सौरभ जी सिद्धार्थ और इनके साथी भाई दिव्यांश जी आए और आदर के पूजन करेंगे। और सबसे पहले मैं जो महाराज की स्थापना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थापना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संस्थान के यशस्वी पदाधिकारी गण और उनके साथ में जो भी हमारे शिविर संयोजक हैं वो भी आएंगे और आकर के महाराज की स्थापना करेंगे। जयपुर एक सेकंड के लिए जयपुर के शिविरों के लिए अनुभा भव्या और दृष्टि और आन्या चारों ने बहुत सहयोग किया था उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संगीतकार पिंक सिटी ऑफ जयपुर के संगीतकार नरेंद्र जी भैसा भी उपस्थित हैं वॉइस ऑफ पिंक सिटी ऐसे नरेंद्र जी भैसा भी उपस्थित हैं तो वो भी यहाँ पे उपस्थित हो जावे। आकाश जी भी यहाँ पे आ जावे। छतरपुर प्रभारी के लिए संदीप जी का नाम आया है उप प्रभारी के लिए महिम जी का जिनभी महान सौरभ एक सेकंड जिन भी जो भी महान भाव यहाँ पर स्थापना इत्यादि के लिए आएंगे उनको क्रम से इधर से जाना है पंक्तिबद्ध रूप से गुरुवर के पाद प्रक्षालन करते हुए दूसरी सीढ़ी यहाँ से बनाई गई है कलश लेके हमारे आलोक भैया और मैं वहाँ स्वयं खड़े रहेंगे व्यवस्था दीपक जी यहाँ माइक संभालेंगे। बाद में भजन की वाणी सुनी थी ये चमक ये दमक फुलबंद में महक सब कुछ संस्थान तुम्ही से है लेकिन लेकिन आज की एक और वाणी है संस्थान क्यों है अगर गुरुदेव नहीं होते तो संस्थान में कभी नहीं होता तो गुरुजी की पंक्तियां बाबा गुरुजी को भेंट कर रहा हूँ ये चमक के दमक फुल पार तुम्हीं से है मेरा बेड़ा पार
चमक ये दमक फुल मन में महक सब कुछ गुरुदेव तुम्हें से सब कुछ गुरुदेव मेरे सुख दुख में रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सुख दुख में रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है वो मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सर पर साया इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।